नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। नशा एक अभिशाप है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी युवा, महिलाएं, तमाम लोग इसके आदि हो जाते हैं। कोशिश करते हैं छुड़ाने की, नशे से ना कहने की, लेकिन हो नहीं पाता। हालांकि कई नशा मुक्ति केंद्र भी बने हैं, जहां पर अगर कोशिश की जाए, कई लोग हैं जिन्होंने नशे को ना कहा है। लेकिन नशे के जो लोग आदि हो रहे हैं, वो सिर्फ शरीर अपना नहीं खराब कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। अगर घर में कोई एक सदस्य नशा करता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे में जागरूक होना बहुत जरूरी है और एक खास मौका है लोगों को जागरूक करने का, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। इस दिन जगह जगह रैली निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रैली निकालने से लोग जागरूक हो जाते हैं, या फिर इसके लिए भी कोई खास पहल करनी होगी। बिहार ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था नशा मुक्ति का, मानव श्रृंखला बनाकर। तो क्या जिसने संदेश दिया वो आज नशा मुक्त हो गया है? सिर्फ शराब ही नहीं, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, ये तमाम चीजें जिनके लोग आती हैं। तो क्या सरकार कोशिश कर रही है ईमानदारी से, प्रशासन कोशिश कर रहा है ताकि लोग कहें नशे को ना? सरकार क्या कोशिश कर रही है लोगों को नशे से दूर रखने के लिए, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए। नशे से लोग दूर रहें तो जागरूकता जरूरी है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर मोतिहारी में एक जागरूकता रैली जिला प्रशासन ने निकाली। रैली गांधी मैदान स्थित बाल उद्यान के महात्मा गांधी प्रतिमा के पास से निकली। नगर के सभी प्रमुख मार्गों एवं चौक चौराहों से होकर नशा मुक्ति का संदेश देते हुए जागरूकता रैली गुजरी, जिसमें पुलिस अधीक्षक जितेंद्र राणा के अलावा उत्पाद विभाग के कई वरीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है, ताकि लोग नशा मुक्त एक स्वस्थ समाज बनाने के प्रति जागरूक हो सके। ये आज 26 जून है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक, मादक द्रव्यों के विरुद्ध समाज को मुक्त करने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए, युवाओं को, महिलाओं को, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड है। जागरूकता पैदा करने के लिए रैली निकाल दें। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे ये? हम लोग गांधी मूर्ति बाल उद्यान समाहरणालय से लेकर के गांधी संग्रहालय मोतिहारी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी आए दिन शराब मिल रही है, लोग पी रहे हैं। यानी अभी और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि हर एक व्यक्ति समझे नशा अभिशाप है। नशा मुक्ति दिवस पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक दो जगह रैली से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बिहार को मिलकर खड़ा होने की जरूरत है। जैसे 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई थी, कुछ उसी तरह तब ही बिहार नशा मुक्त होगा। सिर्फ शराब से मुक्ति काफी नहीं। न्यूज इंडिया के लिए मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट। वाकई में ये वही बिहार है जहां पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को संदेश दिया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के दिन इक्का दुक्का रैली निकली है। जबकि रैली तो हर जिले में होनी चाहिए, राजधानी से लेकर हर छोटे बड़े शहर में, ताकि लोग जागरूक हों
और थोड़ा सा भी अगर असर होता है तो कई लोग नशा छोड़ भी देंगे, लेकिन नशा जो लोग करते हैं कितनी हानि है, कौन सी बीमारियां हैं, कितनी घातक है, वो लोग छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है इस तरीके की जागरूक रैली का, बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ स्वागत करते हैं मोतिहारी से उत्पाद अधीक्षक जुड़ गए हैं केशव झा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे संवाददाता ब्रजेश झा भी जुड़ गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो रैली निकाली गई है कितना इफेक्ट पड़ता है इस तरीके की रैलियों का। हेलो केशव जी, हाँ आपसे ही सवाल था। हाँ मैं ये कह रहा था कि आज 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज यानी इलिसिट ट्रैफिकिंग का। जब से हमारे बिहार में शराबबंदी हुई है जो लोग पहले इसके थे आदि, कुछ लोग हो सकता है कि ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग में वो अपनी संभावना ढूंढ रहे हो, तो इन सबके विरुद्ध भी जो है वह प्रशासन, उत्पाद विभाग, पुलिस ये सब जो है कड़े कदम उठा रही है और शराब के अलावे अन्य मादक पदार्थ जो हैं उनके विरुद्ध लोगों में जागरूकता हो कि वह किस तरीके से स्वास्थ्य, मानसिक हो, फिजिकल हो, इस तरीके से इकोनॉमिक हर तरीके पे जो है बैड इफेक्ट डाल रहा है, उससे हमारा समाज और जो है वो दुष्प्रभाव उससे बढ़ रहा है। हाँ, तो इन सबके विरुद्ध जो है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जरूरी है हमारे। अच्छा, नशा मुक्त समाज कैसे होगा? दो चीज तो इम्पोर्टेंट होती है, एक तो जागरूक करना, दूसरा ये कि नशे की सामान जहां से आ रहे हैं उसे रोकना, क्या इन दोनों में बिहार सक्षम है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है, प्रशासन अपनी ओर से जहां तक कानून बने हुए हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, दूसरे तरफ जन जागरूकता के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, पहले भी मानव श्रृंखला बनी थी स्कूल कॉलेजेस में है, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, लोक कला जत्था के साथ साथ इस तरीके की रैलियां, स्कूल पेंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, इन सब के साथ समाज के हर क्षेत्र के हर तबके के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यह धीरे धीरे बिल्कुल असर कायम अपना असर दिखाएगा और इस तरीके से हमें वक्त लगेगा, लेकिन कहते हैं कोशिश तो करिए, आप लोग वो कोशिश कर रहे हैं, सराहनीय ये कोशिश है, आप हमारे साथ बने रहिए। समाज से भी राखी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत है राखी शर्मा जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी थैंक यू। सरकार का जो साथ मिल रहा है, शराबबंदी हो गई है, नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्या इससे समाज सुधर रहा है या फिर अभी कमी नजर आ रही है? सिर्फ एक जगह रैली निकाली गई मोतिहारी में और वहां कहीं कोई खबर नहीं आई कि पटना में भी आयोजन हुआ है बड़ा, जितना बड़ा आयोजन तब हुआ था जब 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनी थी, आपको लग रहा है कि वो एनर्जी दिखनी चाहिए थी, वो जागरूकता दिखनी चाहिए थी, आज वो नदारद है, दिखी नहीं? नहीं, हम लोग ने भी कल रैली निकाली थी क्योंकि आज ईद था, इसीलिए हम लोग ने इसे एनसीडी के द्वारा और इकोनॉमिक ऑफेंस के साथ और बहुत सारे स्कूल्स और स्पेशली जो स्लम में महिलाएं रहती हैं उन लोगों को लेकर हम लोग ने रैली निकाली थी जिसमें करीब 300 लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये बंदी जो हुई है इससे इफेक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट हुआ है, जो समाज के निम्न वर्ग है उनको काफी इससे लाभ हुआ है, शराब बंदी से उनके घर में जो प्रॉब्लम्स होती थी वो अब काफी कम देखी गई है, जो पैसे नशे में बर्बाद होते थे वो अब वो नहीं। लेकिन राखी जी, आपको नहीं लग रहा वो जुनून नहीं दिखा? हमने देखा था कैसे मानव श्रृंखला बनी थी, हर जगह तैयारी चल रही थी, आपको नहीं लगता वो दिखना चाहिए? ये वही बिहार है जिसने संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश, वो थोड़ा कम दिख रहा है, वो गायब है, वो दिखा आपको? भी वो एक अवेयरनेस था जो सरकार ने अपनी तरह से पूरी पहल की और सब लोगों को जागरूक किया इस मानव श्रृंखला के लिए, तो वो एक होलसम एफर्ट था। और नशा इलिसिट ट्रैफिकिंग डे जो आज के दिन मनाया जाता है उसमें ज्यादा फोकस ड्रग्स और ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो देखा जाता है कि नशा और नशा के कारण जो ड्रग्स लेने के कारण प्रॉब्लम आते हैं वो मानसिक, शारीरिक, सारी समस्याएं जो उनसे जुड़ी होती है वो काफी हद तक बच्चों में और रिसर्च में देखा गया है। तो हम फोकस करते हैं कि अभी जो शराबबंदी हुई उसमें क्या होता है कि स्विच ओवर ऑफ ड्रग्स जो हम कहते हैं कि जो कल तक अल्कोहल लेते थे वो आज अल्कोहल नहीं मिलने के कारण कोई दूसरे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो हम उसके लिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप किसी भी हाल में उस तरह के नशा या उस तरह के स्विच ओवर मत जाइए। हाँ, तो ये सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार को अब बंदी गुटके की नहीं करनी चाहिए और बाकी चीजों की, इस पर बात करते हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरोज तिवारी जी स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। धन्यवाद आपका। सरोज जी, सरकार नशा मुक्ति को लेकर गंभीर है,
उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें वो जुनून, वो जागरूकता आज उतनी नजर नहीं आई। इक्का दुक्का जगह रैली निकाली गई, अब जैसे ईद है तो किसी ने कहा कल निकाली, वो जोश वो जागरूकता क्या खत्म हो गया है? एक दिन का था वो जो नशा मुक्ति की इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनाई थी? नहीं रजनी जी, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली आप हर दिन मानव श्रृंखला नहीं बना सकते, लेकिन जब कोई चीज को एक सांकेतिक रूप में, जैसे हर दिन आप विश्व मादकता निषेध दिवस नहीं मना सकते, मादक पदार्थ निषेध, लेकिन आज तो है ना, आज तो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो इस तरीके से आप कोई चीज को सांकेतिक रूप से ये करते हैं और फिर निचले स्तर तक लगातार प्रयास चल रहा होता है। अभी जो सम्मानित महिला बोल रही थी, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, लेकिन वो भी है, वो सामाजिक इंगित कर रही थी कि बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं और चल रहे होते हैं और निश्चित रूप से चलते हैं। और दूसरा, आज ईद का भी मौका था, तो ईद के मौके की वजह से भी ईद हाईलाइटेड हो गया और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम नहीं हाईलाइटेड हुए जो हो रहे हैं ऑलरेडी, जो पटना भर में हो रहे हैं, कई छोटे छोटे स्तर पे भी हो रहे होते हैं और होते हैं और ये सब होते रहेंगे। और इसमें सरकार की जहां तक भूमिका है, मैं इस पे मैं बताऊं, पूरे हिंदुस्तान को अगर कंसिडर करें तो आज के समय में पूरे हिंदुस्तान के 29 राज्यों में बिहार एकमात्र राज्य है जो सबसे शिखर पे होगा, जहां हम नशीले पदार्थ के सेवन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारी प्रयास भी इस तरफ से जारी है और बहुत सफलतापूर्वक भी जारी है, जिसमें शराबबंदी एक प्रमुख कदम रहा और जिसपे हम, लेकिन कदम के बाद भी क्या हो रहा है, शराब लगातार मिल रही है, वो जागरूकता नहीं है ना, लोग पी भी रहे हैं बाहर नशे में, कई बार हमने खबरें दिखाई हैं, डॉक्टर भी पीते हैं और मेंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो भी पकड़े गए थे। रजनी जी, अगर संविधान बन गया इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइम रुक गया है, लेकिन संविधान बनता है, कानून बनता है तो इसलिए कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको पेनाल्टी होगी और उसके बाद बहुत कम होता है और इसी वजह से हम लोग समाज में जी पाते हैं। ये व्यवहारिक पक्ष है। हमने अगर पाबंदी लगा दी तो निश्चित रूप से पीने वाला भी डरता है, जुगाड़ करने वाला भी डरता है और वो फंसता भी है, पकड़ा तो अब देखो ना, शराब आपने बंद कर दी तो गांजा अगर नशे की दवाइयां लोग ले रहे हैं, प्रतिबंधित दवा ले रहे हैं, वो उस तरफ भी क्या सरकार का ध्यान जाएगा? पूरी तरीके से नशा मुक्ति की तरफ है सरकार का ध्यान है नहीं, जहाँ जहाँ भी जो प्रतिबंधित है उन सभी पे कार्रवाई होती रहती है समय समय पर, और समय समय पर या जब भी कोई किसी तरीके का इनपुट मिलता है उस पर कार्रवाई होती है। और यही वजह है कि आज हमारी हालत जो कुछ दिनों पहले तक पंजाब की थी कि उसको नशे का प्रदेश ही कहा जाता था, या दिल्ली में चले जाओ छोटा छोटा बच्चा भी अब शराब देकर के सड़क पे पीता रहता है, इस तरह की स्थिति हमारे यहाँ नहीं बनी, बनती है तो बहुत बनती है, दिखाते हैं हम और उसके बाद पुलिस पहुंचती नहीं है, ऐसे भी दिखाते हैं हम, वही असलियत जानना चाह रहे हैं, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता आज असलियत जानने का। उत्पाद अधीक्षक केशव झा हमारे साथ जुड़े। केशव जी, आप बहुत कार्रवाई करते होंगे नशे को लेकर, आपको लगता है कि शराबबंदी होने के बाद लोग जागरूक हुए हैं? और जो हम ये देखते हैं, शराबबंदी तो हो गई लेकिन अब नई चीजें आ रही, गांजा की तस्करी बढ़ रही है, लोग गांजे की तरफ, आज तंबाकू है, गुटखा है, क्या अब इन सब की बंदी नहीं होनी चाहिए? देखिए, अल्टरनेट जो है वो लोग नशे के लिए अल्टरनेट जो रास्ते अपना रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था जैसे कि कानूनी कार्रवाई के अलावे लोगों में एक जागरूकता का अभियान जो निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा, इससे धीरे धीरे समाज में इस तरीके का एक इफेक्ट आ जाएगा कि लोग इनसे खुद ब खुद दूर होना चाहेंगे। वैसे हर टाइम कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरीके की कार्रवाई को करना चाहते हैं और उसे रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी नीति बनाई। अच्छा, कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? क्योंकि अगर हम आंकड़ों से जाने तो शायद बहुत आसान रहता है कि आज इतना अच्छा दिन है, नशा मुक्ति दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, तो हम जाने कि आपके जिले में कितने लोगों ने जो नशे के आदि थे वो छोड़ा है, नशा मुक्ति केंद्र का कितना फायदा, कोई आंकड़े है क्या आपके पास? अभी मैं तत्काल तो नहीं दे सकता, जहाँ तक मुझे याद है कि नशा मुक्ति में फिलहाल लगभग 450 लोगों ने मोतिहारी में अपना ट्रीटमेंट करवाया है। अगर एक जगह इतना आंकड़ा है तो पूरे बिहार में आप अंदाजा लगा लीजिए कि हजारों लोगों ने छोड़ा होगा। हम आंकड़े आपके जो बता रहे हैं उसके अनुसार एक अंदाजा लगा रहे हैं। राकेश शर्मा जी, आप कुछ बता सकती हैं कितने ऐसे आंकड़े के हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि पूर्ण शराबबंदी के बाद इतना बिहार नशा मुक्त हुआ है, कम से कम इतने लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, कोई आंकड़ा है आपके पास? जी देखिए, हम लोग जब तक शराबबंदी नहीं थी तब तक हम लोग करीब 300 से 400 पेशेंट को हर मंथ हम लोग देखते थे कि वो लोग नशा या नशीली पदार्थ या बेसिकली अल्कोहल और इसका सेवन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो जब से बंदी हुई तब से वो घटकर करीब 150 से 200 के करीब आ चुकी है। और इसमें अधिकतर वैसे मरीज आ रहे हैं जो या तो गांजा भांग या स्वाइटनर ग्लू टैबलेट्स इंजेक्शन, इस तरह के केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो शराब का इफेक्ट तो अच्छा है, लेकिन उसके कारण जो नहीं मिलने के कारण वो दूसरे ड्रग्स की ओर
बढ़ रहे हैं। इस तरह यानी उन साधनों को भी रोकना होगा, तब शायद जब मिलेगा ही नहीं तो कैसे। सरकार प्रयास कर रही है उन साधनों को भी रोकने का, एनसीबी भी इसमें लगी हुई है। तो ये एक, क्योंकि ये इसका रिजल्ट हम इतनी जल्दी नहीं देख सकते, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। तो सरकार के एक साल के आंकड़े में हमने देखा कि नशा जो शराबबंदी हुआ उसमें दूसरे ड्रग्स के ऊपर, लेकिन उस पर भी अगर अंकुश आएगा तो वो फिगर्स भी डाउन होंगे, इसमें दो मत नहीं है। हम सबको प्रयास करना है, बिकॉज ये एफर्ट सिर्फ सरकार का नहीं है, आज समाज में महिलाएं जागरूक, सरकार समाज साथ सबका चाहिए, तभी नशा मुक्त होगा पूरा प्रदेश, प्रदेश होगा तो फिर देश भी होगा। ब्रजेश शाह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, रैली निकाली गई, जागरूकता रैली का कितना असर लोगों के बीच आप देखते हैं, लोग इसे कैसे लेते हैं, एक दिन की रैली या फिर उन्हें लगता है नहीं इससे कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, दरअसल सच्चाई यही है कि कोई भी योजनाएं जब लागू की जाती है तो उसको लेकर के अगर जागरूकता नहीं फैलाई जाए तो उस नीति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, लोगों के बीच इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती, उसकी लाभ हानि के बारे में लोग समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही शराबबंदी होने के बाद एक टर्म वाइज, ये सच है कि टर्म वाइज बिहार गवर्नमेंट द्वारा भी एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, और जो केवल एक डे पर ही न हो, कोई एक नशा मुक्ति दिवस हो या मद्य निषेध दिवस हो, इस दिन केवल न हो। वही हम सब एक... कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं होगा, हर रोज रैली ना निकालिए लेकिन जागरूकता तो नजर आनी चाहिए, वो सरकार की तरफ है कि नहीं देखेंगे। विपक्ष बहुत अच्छे से देखता है सरकार के हर एक कदम को। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सिंह टाइगर साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। संजय जी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे जुड़ने की। बहरहाल सरोज जी आपके पास आना चाहेंगे, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हर रोज हम रैली नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन आज का दिन है, आज कुछ तो आप लोगों ने खास किया होगा नशा मुक्ति को लेकर, आंकड़े शायद जारी करें आप लोग या किए होंगे या सोच रहे होंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमने एक साल में इतना नशे से लोग दूर हुए हैं, उनके जीवन को दिखाया जाए कि कितनी खुशहाली आई है नशा को ना कहकर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि हर रोज रैली नहीं निकाली जा सकती, मेरा शब्द ये था कि हर रोज उस तरह से आप उत्सव की तरह नहीं मनाते, वो जागरूकता की तरफ था। और निश्चित रूप से आप ये जानिए कि सरकारी स्तर पे कई सारे कार्यक्रम हो रहे होते हैं, सरकारी स्तर पे कई सारे कार्यक्रम होते हैं और गैर सरकारी स्तर पे भी कई सारे कार्यक्रम होते हैं, और कार्यक्रम अनवरत चलता है, और जागरूकता के लिए तो अभी बहुत जगह गाना वाना गा करके भी बच्चे जो कुछ कलात्मक तरीके से प्रस्तुति भी करते हुए हर जिला में, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में जाते हैं और करते हैं स्कूलों तक में, ताकि जो नई आने वाली पीढ़ी है वो भी मादक पदार्थों से दूर हो। शराब को आप एक तरीके से ले सकती है, क्योंकि शराब घर घर में व्याप्त हो गया था। अच्छा, आपने एक पीढ़ी का जिक्र किया कि भाई एक पीढ़ी है जागरूक हो, तो हमने बक्सर की खबर दिखाई थी सरोज जी के, एक लड़की जिसके यहाँ बारात आती है और वो दूल्हा शराब पिए होता है, वो कह देती है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, लोगों में जागरूकता है, लेकिन आप लोगों ने उतना उसको आधार नहीं बनाया, लोगों लड़कियों को नहीं बताया, क्योंकि घर में महिलाएं ही हैं, अगर वो इस तरीके से ठान लें तो बहुत कुछ बदल सकता है, ये तो आप मानते हैं ना? लड़कियों को ही ज्यादा बताया है, और अब आज की लड़कियां अगर कभी शादी के समय में कोई इतना डेयर करे कि वो कह दे कि नहीं ये शराब पीने वाला परिवार है, शराब पीने वाला है तो मैं शादी नहीं करूंगी, ये बहुत कम होता है। नॉर्मली लोग इज्जत प्रतिष्ठा सोच करके चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब अगर ये दिन देखने को मिल रहा है कि शराब की वजह से ना कहा जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। शराब उनके लिए होना चाहिए ना, आज इतना अच्छा दिन है, अगर किसी ने ये किया है तो पुरस्कार राशि आज के दिन, एक फंक्शन आप लोगों को हर बार रखना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर मानव श्रृंखला बनाइए, तो आज के दिन आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिन लोगों ने नशे को ना कहा है आप उन्हें सम्मानित करें, जिन्होंने ऐसी बारात लौट आई है वो डेयरिंग है, इतनी साहसिक कदम उठाना आसान नहीं, आप लोगों ने वो सब किया क्या? बिल्कुल, और अब उसको भी कई स्तर पे सम्मानित किया जाता है, अगर वो सम्मानित नहीं होती तो समाचार पत्रों में आती नहीं, वो न्यूज भी नहीं बन पाता, अगर न्यूज न्यूज इंडिया ने ही दिखाई थी, समाज भी न्यूज इंडिया ने ही दिखाई थी, और आप लोगों से भी पूछा था कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए, अब आप ये बताइए कि सरकार सम्मानित करेगी, लेकिन कई बार क्या होता है करता है सम्मान की दृष्टि से देखता है तो वो चीजें ज्यादा प्रभाव में आती है, वो चीजें ज्यादा प्रसार में आती है। तो मौका भी तो अच्छा होना चाहिए, आपको नहीं लगता इतना अच्छा मौका था? आप नशे के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाते हैं तो आज इस पूरे आयोजन के दौरान आप और ज्यादा जागरूक, फिलहाल आपसे हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा मेरे साथ बने रहिए, चैनल एट मनमोहन सिंह राजपूत भी जुड़ गए हैं। मनमोहन सिंह जी, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? रजनी, जिस तरह से हमने लिखा है ना, नशा करो ना प्यार करो, करना अगर तो सीधा प्यार को, नशा करने से कोई फायदा नहीं। रजनी, आज के डेट में नशा लोगों को मार रहा, और ये
सही, वाकई में सही बात है कि नशे के आदि होना एकदम नहीं चाहिए इंसान को, नशा से आदमी को दूर होना चाहिए। और नशा एक ऐसी चीज है जो लत बन गई है आज के डेट में इंसानों की, और नशा लोग शौकिया तौर पे करते हैं, उसके वजह से आज शौकिया तौर पे नशे की हालत ऐसी हो कि हर आदमी, हर बच्चा नशे पर घूम रहा। आप देखिए जैसे बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश कुमार की तारीफ होती है सरकार में, बहुत तारीफ के काबिल, लेकिन उन्होंने इतने बड़े कदम को उठाया है सरकार में आने के बाद, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि भाई ये बंदी करो, पूर्ण रूप से इनको बंद किया गया। लेकिन वाकई में नशा को बंदी की जिस तरह से उन्होंने रखा, लेकिन इस तरह की बंदी वो कर नहीं पाए पूरी तरह से, क्योंकि सरकार को ये चाहिए था कि नशा बंदी करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, चलिए उन्होंने ये फैसला लेकर के, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये तो किया कि नशे को ना किया और नशे को बंद करने के लिए, तो ये तारीफ के काबिल है। और शराब के सेवन, गांजा, भांग जैसे नशीले पदार्थ इंसान पर जरूर वाकई में बुरा असर पड़ता है। लोग आज के डेट में जो बच्चे, जो आप खुद गौर कीजिए समाज से, अगर लोग तंबाकू सिगरेट का अगर धूम्रपान करते तो उनकी मानसिक स्थिति, उनके खोने की शक्ति ताकत, कम से कम उनमें कहीं ना कहीं उस चीज में असर होता है रजनी। तो इसलिए नशा से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ये न्यूज इंडिया अपनी मुहिम के तौर पे ये बात बता रहा है, और मैं चाहूंगा कि अपने साथ जो भी केस जुड़े हुए इस तरह की मुहिम को चलाएं, जिससे कि लोगों में जागरूक हो और इस चीज फैले। सरकार थोड़ा, सरकार के, मैं तो चाहता हूं कि सरकार ये काम कर, लेकिन सरकार दिग्भ्रमित होकर ये काम करती है लेकिन वो पूर्ण रूप से कर नहीं पा रही है। उन्होंने पूर्ण रूप की शराबबंदी जरूर की लेकिन वो पूर्ण रूप कर नहीं पाए। आपके काम से संतुष्टि वो नजर नहीं आ रही है, और ऑफिस में है कोई शराब पीता है, सिगरेट करता है, वो आप लोगों ने उसको रोकने की उतनी ईमानदार कोशिश नहीं की है। अभी भी हम देखते हैं सड़कों पर नशे में चूर लोग नजर आते हैं, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, और ऑफिस में चोरी छुपे लोग पीते हैं। सरोज जी, कड़ी मेहनत की जरूरत है, होमवर्क बहुत अच्छा करने की जरूरत है। केशव झा जी, आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, नशा मुक्ति हम देखते हैं ऑफिसेज में भी, अगर उतनी कड़ाई से जैसे कि जुर्माना लगाया जाए, जो नियम है कि सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, क्या आपको लगता है क्या वाकई में ऑफिसेज और हर जगह पर उस तरीके से ध्यान दिया जाता है, उस तरह से पेनाल्टी ली जाती है, उसका बहुत अच्छा असर होगा अगर लोग वाकई में ईमानदारी से ये सब कुछ करें तो? देखिए, जहां तक प्रशासन के स्तर की बात है, बहुत सारे संसाधन की कमी के बावजूद प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और जो लोग कर रहे हैं गलत उनके विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई की जाए। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि इसमें और जागरूकता आएगी और लोग भी स्वतः जागरूक होंगे, हमारी कार्रवाई चलती रहेगी और एक नशा मुक्त समाज, मादक द्रव्यों के, शराब के साथ साथ मादक द्रव्यों के विरुद्ध भी हमें एक अच्छी सफलता, अचीवमेंट इस क्षेत्र में हासिल कर ली। बिल्कुल, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, सरकार। राकेश शर्मा जी, आपसे एक सवाल, परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं हम, परिवार में ही देखते हैं बच्चे मजे के लिए करते हैं सब कुछ, नशा फिर आदि हो जाते हैं, परिवार के लोगों को भी क्या अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर पति शराब पीता है तो कैसे छुड़वाना है, अब वक्त आ गया है जागरूक होने का? जी जी बिल्कुल, हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किसी भी पेशेंट को अगर आप ठीक कर रहे हैं तो उसमें बहुत परिवार का, समाज का सहयोग की जरूरत होती है, क्योंकि वो भटका हुआ आदमी है, वो नशे की गिरफ्त में जब आ जाता है तो उसकी सारे चाल चलन, सारी चीजों को वापस रिट्रैक करना और वापस उसे समाज में जोड़ने से बहुत टाइम लगता है। उसमें परिवार अगर सपोर्ट नहीं करे तो वो आदमी कभी भी नशे और नशीले पदार्थ को छोड़ नहीं सकता। और दूसरा, जो आपने कहा कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समाज में इसे अभी भी एक तरह का टैबू माना जाता है। हमारे यहाँ ही जब मीडिया वाले आते हैं या कोई भी उनके इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वो नहीं बताना चाहते कि वो नशा, नशीली चीजों के गिरफ्त में या अपनी लाइफ को सेवन कर रहे थे, ताकि समाज में सबको पता चलेगा तो शायद उनके जॉब पर असर हो जाए या उनके करियर पर प्रॉब्लम आ जाए या समाज में उसे लोग अच्छा नहीं, शायद और थोड़ा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की थोड़ी कमी है इसीलिए। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरोज तिवारी जी, आपका शुक्रिया। केशव झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मनमोहन सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े, चैनल हेड, आपका भी शुक्रिया। और बृजेश झा मोतिहारी से हमारे संवाददाता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नशे एक अभिशाप है और नशे को ना कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नशा करते हैं तो आपका शरीर भी खराब होता है, मानसिक रूप से भी आप बेकार हो जाते हैं और आपका परिवार खराब हो जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर है। इससे बेहतर है कि आप अब संकल्प लें और नशे को ना कहें। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।